जब आप जवान होते हैं, और ये सब के केस इन पॉइंट होगा, मुझे लगता है अजय और संजय भी इस बात को बोलेंगे, तो थोड़ी सी हाउ डू यू से, एक जवानी की स्टुपिडिटी होती है कि हमको जो लगता है, हम अपने आप को इनफैलिबल समझते हैं, लगता है कि यार कुछ भी गलत नहीं होगा, तो हम कूद जाते हैं. सो आई वुड गिव ऑल दिस श्रेय टू दैट जवानी कि यार कर लेते हैं, यार सब ठीक हो जाएगा. और अमूमन ठीक हो ही जाता है, क्योंकि उस वक्त फेथ और बिलीफ होता है. जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, सिनिकल हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, नंबर क्रंचिंग करने लगते हैं, और फिर हम कभी कभार ये भी घूम कर सोचते हैं, जब पहले हुआ था ऐसा क्यों नहीं हो रहा है इस वक्त. मेरे साथ भी होता है, ऐसा सबके साथ होता है. सो आई वुड से, जब मैं नया नया आया था मुंबई में, और वो बंगला सब बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं, दिल्ली में सबके बंगले होते थे यार, तो मुझे वो अजीब नहीं लगता था. कि हम जब बैंड स्टैंड पर जाते थे, तो मैं, ये तो बंगला तो सभी का होता है, हमें नहीं मालूम था मुंबई में अपार्टमेंट्स होते हैं. तो मुझे ऐसा लगा यार बंगला ही होना चाहिए, हम बहुत गरीब थे लेकिन हमारा भी बंगला ही था. सो आई मे बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यू फेल्ट बंगलो कल्चर. लेकिन मुझको कभी भी, और मैं फिर ये बोलूँगा, मैं बहुत शुक्रगुजार, लेकिन मुझे कभी भी मेरी कोई भी मटेरियल चीज़ मेरी अचीवमेंट नहीं लगी. मुझे मन्नत भी मेरी अचीवमेंट नहीं लगती, मुझे गाड़ियाँ अचीवमेंट नहीं लगती, मुझे पैसा अचीवमेंट नहीं लगता है. वो एक चीज़ है जो हो गई, और मैं बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ भगवान का कि ये हुआ. बट बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक अबाउट ऑफ इट इन एनी अदर वे, एक्सेप्ट कि जो मेरा कोर काम है, आई होप आई कैन डू दैट वेल. आई एम एन एक्टर, आई होप आई कैन एंटरटेन यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, दैट्स ऑल. देर इज नथिंग एल्स, एंड नेवर हैज एनी एक्टिंग बीन डन टू बाय मोर. एक्टिंग इज ऑलवेज बीन डन टू गिव मोर, एंड आई होप आई कैन डू दैट.